आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चतुर्भुज के कोण योग गुण धर्म को समझेंगे। यहां कुछ आकृतियां हैं जिन्हें आप पहचानते होंगे, ये सभी चतुर्भुज हैं। अब प्रश्न ये है कि चतुर्भुज का मतलब क्या है और ये होता क्या है। वो आकृतियां जिनकी चार भुजाएं होती हैं चतुर्भुज कहलाती हैं। जैसे कि यहां इन सभी आकृतियों की चार भुजाएं हैं। अब क्या आप बता सकते हैं कि एक चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? जी हां, एक चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। आकृति में सभी कोणों को दिखाया गया है। इस चतुर्भुज को देखिए, हमने सभी शीर्षों तथा कोणों को नामांकित कर दिया है। क्या आप इस चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग बता सकते हैं? आइए इसके लिए एक क्रियाकलाप की सहायता लेते हैं। इस गत्ते के टुकड़े से कुछ ऐसा ही एक चतुर्भुज बना लेते हैं और इसके कोणों को इस प्रकार काट लेते हैं। इन सभी कोणों के शीर्षों को एक बिंदु पर रखें तो हम देख सकते हैं कि ये एक वृत्त बनाते हैं। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण का माप 360 डिग्री होता है। अतः इस क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। आइए इसका गणितीय रूप में सत्यापन देखें। हम एक विकर्ण खींचते हैं जो इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट देता है। उदाहरण के लिए हमने AC को जोड़ा है। ये चतुर्भुज अब दो त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC में बंट चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोण A को कोण 1 और कोण 2 में विभाजित किया गया है, कोण C को कोण 3 और कोण 4 में विभाजित किया गया है। आइए कोणों को कुछ इस प्रकार लिखते हैं। त्रिभुज कोण योग गुणधर्म की मदद से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक त्रिभुज त्रिभुज ADC व त्रिभुज ABC के कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। क्योंकि हमने चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभक्त किया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल दोनों त्रिभुजों के कोणों के योगफल के बराबर होगा। इसलिए हम समीकरण 3 व 4 को जोड़ते हैं, जिससे हमें सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री मिलता है। समीकरण 1 व 2 की मदद से हम समीकरण 5 को कुछ इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह हमें चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री प्राप्त होता है। इसे हम चतुर्भुज का कोण योग गुणधर्म भी कहते हैं। ये गुणधर्म उत्तल व अवतल दोनों प्रकार के बहुभुजों के लिए सत्य है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग सदैव 360 डिग्री ही होगा। आज इस वीडियो में हमने चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म के बारे में सीखा। अगली वीडियो में हम इन पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे।